नमस्कार दोस्तों, मैं करण स्वागत करता हूं आपका फिर से एक बार अपनी नई वीडियो में। तो आज हम आपके लेके आए हैं LIG फ्लैट, 1BHK फ्लैट, टॉप फ्लोर का फ्लैट होने वाला है, मतलब कि फोर्थ फ्लोर होने वाला है। और अगर लोकेशन की बात करता हूं तो LNT अपार्टमेंट सेक्टर 18, DD की सबसे अच्छी सोसाइटीज में से आती है ये, आपकी जो श्री आवास भी बोलते हैं इसको, और LNT के नाम से भी इसको जाना जाता है, सेक्टर 18 में है। अगर सराउंडिंग की बात करता हूं तो मार्केट सेक्टर 12 का बहुत पास पड़ता है, मेट्रो सेक्टर 12 का बहुत पास पड़ता है, वेंकटेश्वर हॉस्पिटल, स्कूल और सारे मोस्टली जितने स्कूल्स हैं वो सारे पास पड़ते हैं, और ये जो सराउंडिंग है इसकी बहुत अच्छी है। सेक्टर 11 की मार्केट ज्वेलर मार्केट जो बिल्कुल सामने पड़ती है, तो ये लोकेलिटी काफ़ी अच्छी होने वाली है, सराउंडिंग बहुत अच्छी होने वाली फ्लैट की। ये देख सकते हैं दोस्तों, अगर मैं बात करता हूँ इसमें पार्किंग एरिया की, तो पार्किंग एरिया की कोई कमी नहीं है। आई थिंक सो 3 या 4 बेसमेंट हैं पार्किंग के लिए, और वैसे भी ओपन स्पेस काफ़ी है जहाँ पर आप अपना पार्किंग कर सकते हैं। सोसाइटी में ही बहुत बड़ा पार्क है, वो मैं आपको वीडियोस में दिखा दूंगा। सोसाइटी में बहुत अच्छा पार्क है, और सोसाइटी बहुत अच्छी, मतलब मेंटेन सोसाइटी मानी जाती है DDS में। जो DDS है द्वारका में, उसमें सबसे अच्छी सोसाइटीज में से एक ही भी LNT भी आती है। तो आइए दोस्तों इसका स्टार्ट करते हैं। प्राइस के लिए आप प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए, मैं एंड में आपको प्राइस बताने वाला हूँ, और जो भी डिटेल्स हैं आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो ये होने वाला है 1BHK LIG फ्लैट, जो कि है एक फोर्थ फ्लोर, मतलब टॉप फ्लोर है। और इसमें आप देखेंगे जो इसकी जो छत होती है ना, मतलब जो इसका टॉप होता है, वो टॉप कुछ इस तरीके से होता है, मतलब ऐसे है, बिल्कुल ऐसे नहीं है। तो आप सामने देखेंगे तो इस तरीके से टॉप होता है इसका, मतलब जो आपने देखा होगा हील्स पर जैसे रहता है ना टॉप जो रहते हैं इस तरीके से, तो इस तरीके से रहता है इसका। तो इसके इसमें आप ऊपर कुछ नहीं बना सकते हैं, इसका ये एक है, इस तरीके से टॉप रहने वाला होता है इसका। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, इस फ्लैट को गो थ्रू करते हैं, प्राइसिंग वगैरह मैं आपको एंड में बता दूंगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आ जाता है आपका एंट्रेंस, ये आपका जैसे ही स्टेज आएंगे आप, स्टेज से आप देखेंगे एक ही फ्लैट है, मतलब ये प्रॉपर प्राइवेसी मिलने वाली है। इससे जो नीचे वाले फ्लोर है उस पर आपके 3 फ्लैट्स रहते हैं, बट ये जो टॉप पे रहता है उस पर बस एक ही फ्लैट है। नीचे जो रहेंगे वो आपका MIG फ्लैट्स रहते हैं, उसके ऊपर जैसे ही आप आएंगे टॉप फ्लोर पे, वहाँ पे आपको मिलेगा LIG फ्लैट। तो मतलब प्राइवेसी के लिए बहुत अच्छा फ्लैट है, प्राइवेसी प्रॉपर होती है, आपको देख सकते हैं एक ही फ्लैट है, लास्ट फ्लोर पर एक ही मतलब फ्लैट आपको मिल जाता है। एंटर जैसे करेंगे आप, तो एंटर करने पे आप वो ये मिल जाता है आपका लिविंग एरिया, ये लिविंग एरिया रहता है। इसमें आपको वेंटिलेशन मिल जाता है, देख सकते हैं वेंटिलेशन की कोई कमी नहीं है, और धूप वाला फ्लैट है, धूप आती है मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक की, इसमें धूप आती है, धूप वाला फ्लैट है। तो ये आपको मिल जाता है लिविंग एरिया, जिसमें नॉर्मली आप देख सकते हैं जो DDA का काम था वही हो रखा है, पार्टी ने कुछ ज़्यादा काम कराया नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं जो नॉर्मली पत्थर वत्थर लगते हैं वही नॉर्मल लगते हैं। अगर इसकी ऑलमोस्ट इसकी अगर मैं साइज़ की बात करता हूँ, तो ऑलमोस्ट 14x11 या 12 के आसपास का ये होने वाला है। तो इसका लिविंग एरिया का साइज़ हो जाता है ये। उसके बाद आप आएंगे तो उसके बाद फ्लोर प्लान ऐसे होने वाला है कि ये हो जाता है आपका यहाँ पर आपका बेडरूम, इधर किचन, ये आपका वॉशरूम होने वाला है। तो आइए गो थ्रू करते हैं। ये हो जाता है आपका किचन एरिया, जैसा कि मैंने आपको बताया रॉ फ्लैट है, जैसे DD जैसे जिस कंडीशन में देता है उसी कंडीशन में ये फ्लैट आपको मिल रहा है। तो ये मिल जाता है आपको आपका किचन एरिया। साइज़ की बात करता हूँ तो ऑलमोस्ट 6x9 के आसपास का साइज़ होने वाला है, 6x6x9 के आसपास का साइज़ होने वाला है। वेंटिलेशन आपको मिल जाता है, और ये आपको देख सकते हैं रॉ फ्लैट है आपके। नॉर्मली इसमें अगर आप आपको वैसे काम कराना पड़ेगा, बट ये जैसे DDA कंडीशन होता है वैसे आपको फ्लैट मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे आएंगे तो ये आपको दोस्तों देख सकते हैं, ये आपको वॉशरूम एरिया मिल जाता है। उसके बाद ये आपका बाथिंग एरिया वगैरह मिल जाता है। ये सारा क्वेश्चन दोनों सेपरेट हैं, आप चाहें तो कंबाइन भी करा सकते हैं दोनों को। टायरिंग वेलिंग का काम हो रखा है, वेंटिलेशन वगैरह है, बट ऑलमोस्ट ऑल इसमें आपको काम कराना पड़ेगा। तो ये हो जाता है आपका वॉशरूम एरिया वगैरह, किचन एरिया वगैरह। उसके बाद आपका आता है लास्ट बेडरूम जो है, तो बेडरूम का साइज़ भी ऑलमोस्ट 11x12 के आसपास का साइज़ है। ये आपको अलमीरा का स्पेस दिया हुआ है, आप इस पर वुडन अलमीरा या आप जैसी भी किसी भी तरीके की अलमीरा आप चाहें बनवा सकते हैं। तो ये आपका हो जाता है वो एरिया, वही पत्थर नॉर्मल पत्थर है जो DDA आपको लगा के देता है। और इसमें आप एक चीज़ देखेंगे कि जो इसी जो फॉल सीलिंग है, अगर आप ऊपर देखेंगे तो ये इस तरीके से है, मतलब डायगोनली जा रही है, मतलब यहाँ से देखेंगे आप ऊपर दिखाने एक बार, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये डायगोनली जा रही है, ये ऊपर से लेकर नीचे ऐसे जा रही है, क्योंकि ये इस तरीके का रहता है तो ये ऐसे जा रहा होता है, मतलब ऑन बीच में ऑन टॉप रहता है, उसके बाद इस तरीके से जा रहा है। तो ये आपका हो जाता है। उसके बाद इसमें बहुत बड़ी आपको बालकनी मिल जाती है, जहाँ मैंने आपको एंट्रो दिखाया था वो वहाँ पर आपकी ये बालकनी मिल जाती है। बालकनी का साइज़ भी बहुत बड़ा साइज़ है, आप देखेंगे ऑलमोस्ट एटलीस्ट 10x8 के आसपास का आपको यहाँ साइज़ मिल जाता है बालकनी का, काफ़ी बड़ा साइज़ है। और मॉर्निंग से लेके आई थिंक जब ऐसे यहाँ पे आएगा, तो अभी तो धूप नहीं है फिलहाल क्योंकि ये है, बट मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक के लिए इसमें आपको धूप मिल जाती है। तो ये हो जाता है दोस्तों आपका LIG फ्लैट कम्प्लीट। पार्किंग की कोई दिक्कत नहीं है इसमें, मतलब बहुत ज़्यादा पार्किंग स्पेस है, बेसमेंट है 3-4 पार्क,
है, सोसाइटी में ही पार्क है, बड़े बड़े पार्क बगल अगल में भी हैं। तो ये हो जाता है दोस्तों आपका कंप्लीट। इसका जो प्राइसिंग है, तो डिमांड है वो है 55 लाख रुपीज़, मतलब 55 लाख रुपये इसका डिमांड होने वाला दोस्तों, जो कि नेगोशिएबल अमाउंट है। आप आइए, विजिट कीजिए, आप फ्लैट पसंद कीजिए, हम आपको एक स्मूथ डील इसमें दिलवाने की कोशिश करेंगे।